साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, बंदगी साहिब, बंदगी साहिब, बंदगी साहिब, बंदगी साहिब, बंदगी साहिब, अगर पिछड़े और छोटे बिरादरी के लोगों ने कबीर साहब को अपनाया, उनकी आइडियोलॉजी से नहीं अपनाया, उनके मूल ज्ञान को नहीं समझा है, उन्होंने ये समझा कि ये समानता की बात कर रहे हैं, इसलिए अपनाया। साहिब वाणी में खुद कह रहे हैं, केवल ज्ञान कबीर का विरले जन जाना। मैंने साहिब की कृपा से ये मिथक तोड़ा। अहंकार तो नहीं, अहंकार मन से उत्पन्न होता है, मैं अहंकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो विश्वास आस्था की बात कर रहा हूँ, अहंकार की नहीं। आस्था और अहंकार में अंतर है। मैं तो भरोसे की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं घबराया, मैंने साहिब को आगे रख करके बातचीत की। तो करीब 3 लाख लोगों को मैं, ये एक परिवर्तन रहा। थोड़ा समय देखिएगा, फिर एक बहुत बड़ा बदलाव रहा। दूसरी उपलब्धि यह है, मैंने उससे कहा, पत्रकार ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि हमारे लोग, आप देखना 100% अनुकरण कर रहे हैं, आप तुलना कर लेना किसी अन्य भक्तों के साथ में। 7 नियमों का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो अध्यात्म शक्ति साथ में विवश करेगी आपको, आपको गलत नहीं चलने देगी। जैसे रेलगाड़ी का पहिया अपने ट्रैक से नीचे नहीं जा पाता है, 130-140 किलोमीटर की स्पीड में ट्रेनें दौड़ रही हैं, फॉरेन में तो 300-300 किलोमीटर की स्पीड में, जो कि एक बोइंग 747 की स्पीड में भी गाड़ियां दौड़ रही हैं जाली के अंदर, जापान आदि देशों में। तो पहिया पटरी से नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? 4 उंगल चौड़ी रेल की पटरी से पहिया नीचे नहीं जा रहा है इतनी स्पीड में, क्योंकि उसके साथ व्हील गार्ड लगा हुआ है पहिए के साथ, वो नीचे नहीं जाने देता है। एक आदत गुरु जब आपको ताकत देगा, अपने सिद्धांतों से नीचे नहीं जाने देगा। जब मैंने एक आदमी को नामदान देने से पहले 7 नियम बतलाए, तो वो खड़ा हुआ, बोला, महाराज 7 नियम का पालन अगर मैं करने की सामर्थ्य रखता, आपके पास मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। ये जो आपने नियम बताए, ये तो बड़े महापुरुषों के हैं। आपने कहा सत्य बोलना, दूसरा आपने कहा मांस नहीं खाना, तीसरा आपने कहा शराब नहीं पीना, चौथा आपने कहा परस्त्री गमन न करना, पांचवा आप बोल रहे हैं चोरी नहीं करना, चोरी का सामान न लेना, छठा आप बोल रहे हैं जुआ मत खेलना, लॉटरी नहीं खेलना, सातवां आप कह रहे हैं हक की कमाई खाना, 7 नियम का पालन करना। महाराज जी, अगर हम 7 नियमों का पालन करने की ये कुवत रखते, ये नियम तो एक महापुरुष के अंदर हो सकते हैं, फिर तो मैं महापुरुष था, आपके पास आने की मुझे ज़रूरत फिर क्या थी। मैंने कहा चिंता मत करो, इन नियमों का अनुकरण करने के लिए आपके पास एक ऊर्जा दी जाएगी, एक ताकत दी जाएगी, उसके बाद आप इन नियमों का पालन कर लेंगे। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सो प्रभु साहिब किया भया कबीर कबीर। तो इस तरह से बंधुओं, आइए हम देखते हैं कि विहंगम, ये विहंगम है परम पुरुष के अस्तित्व में इतना आकर्षण है, जैसे चुंबक लोहे को और अपनी ओर आकर्षित करता है, वो खींच ले। इसलिए साहिब वाणी में कह रहे हैं, ये है विहंगम मार्ग, एक बार जो दर्शन पाए देखे बहुर विलंब ना आवे। एक बार जो पहुंच गया, वो दोबारा उसको विलंब नहीं, वो पहुंच जाएगा, फौरन पहुंच जाएगा, जब भी चाहेगा पहुंच जाएगा। दोबारा जो सीक्वेंस मैंने बोली, इस तरह नहीं जाना होगा। कुछ लोग कह रहे सतलोक गया, तो फिर मैं पूछता हूं दोबारा कैसे जाते हो, तो वो कहते हैं ऐसे ही। मैं कहा बस झूठ नंबर एक, दोबारा वैसे जाने की आवश्यकता होती नहीं है। उसके बाद में व्यंगम चाल मिल गई, ठीक है, अभी तू व्यंग चाल नहीं जान रहा है, सतलोक जाने अमर लोक जाने के बाद व्यंगम चाल मिल जाएगी। आप याद रखना, मेरी ये सभी वाणियों की नकल होगी थोड़े दिन में, आप देख लेना।
ये बोली जाएगी, ये बोली जाएगी, ये पक्का बोली जाएगी। आप मेरा ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं, मेरे विचार से बाकी वक्ता लोग मेरे सत्संग को आपसे भी ज्यादा कंसंट्रेट सुन रहे हैं, ये मैंने अनुभव कर लिया। क्योंकि जिन रहस्य और तथ्यों को मैंने बोलना प्रारंभ किया, अभी वो घुमा फिरा कर बोल रहे हैं। बात क्या है, रियल उनके पास मटेरियल नहीं है, हमारे पास भाई मटेरियल है। हम आपको भरोसे के साथ ये बात बता रहे हैं, उनके पास मटेरियल नहीं है, तो वो अपना तोड़ जोड़ करके अपना काम चला रहे हैं। और बात एक कह रहे हैं, एक ही बात है। हम कह रहे हैं बात एक कैसे, बात बात में भेद है। ये तो फिर आगे क्या करना है भाई, आगे कुछ करना है क्या, बड़ा क्या कुछ करने योग्य है क्या आपके लिए? ना ना ना, या ऐसे तर जाओगे? नहीं साहब, एक बात बोल रहे हैं भाई, देखिए आपके अंदर ये सिस्टम काम करेंगे पक्का। एक सिम एग्जाम्पल, एक सिम एक मोबाइल है, उसमें आप देखें आजकल मोबाइल में तो कितने सिस्टम्स हो गए। वाह भाई वाह, इंटरनेट कनेक्टेड हो गया, रिजर्वेशन करना है, ट्रायल में पहुंचो, 10 शेड्यूल देखना है, बाकी सब चीज़ें ऑप्शन में पहुंचो, इजी है, समझ में आ जाए, बस आपको ठीक से समझ में आ जाए, बस समझ में आ जाए। फिर भाई क्या है, पूरे सिस्टम से पहले एक इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, मोबाइल चाहिए, चाहे 11 लो, नोकिया का लो, मोटरोला का लो, आपको एक मोबाइल चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, सिम कनेक्शन, एक इतनी सी पतली सी है अल्मीनियम की या ब्रास की सिम, क्या ये पूरे सिस्टम उस सिम में है? नथिंग, सिम में नहीं है, सिम की है कनेक्टेड विद एक्सचेंज और कंप्यूटर, और एक्सचेंज कंप्यूटराइज है, उससे कनेक्टेड है। इतनी इंफॉर्मेशन नन्ही सी सिम में है क्या? नहीं नहीं, सिम इज अ की। अबे आपको कह रहे हैं सिम, सिम सीज भी हो सकती है, आपको कहते हैं सिम चार्जिंग ठीक करना, प्रीपेड हो चाहे पोस्ट पेड हो, सिम चार्जिंग एक्सचेंज के अंडर में है, जब भी चाहे एक मिनट में सीज कर देंगे सिम। अच्छा भाई सिम भी ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, अब क्या चाहिए भैया? बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग बड़ी जरूरी है। अगर बैटरी चार्जिंग नहीं है, सिम एक्टिवेट भी है और आपका मोबाइल भी एक्टिवेट है, ठीक ठीक है, अगर बैटरी लो है तो ट्यून ट्यूनिंग आवाज़ होकर के बैटरी लो बंद हो जाएगा, मामला नहीं होगा। बैटरी चार्जिंग मोस्ट नेसेसरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी चाहिए। उसके लिए फिर क्या है, मोबाइल के साथ एडेप्टर दिया है भाई, एडेप्टर दिया आपको, बैटरी चार्ज करो। अब क्या करना है, इस तरह साधक को गुरु की प्राप्ति के बाद कुछ करने के लिए नहीं रहेगा, ओनली गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, ओनली वन थिंग, एक चीज ओनली, वो ये गुरुदर्शन, बैटरी चार्जिंग के लिए। सुरति पर हमेशा आप इस भवसागर में हैं, इस भवसागर में मन और माया के क्षेत्र में हैं, इसलिए सुरति को चार्जिंग करते रहना गुरु के दर्शन से। साहेब वाणी में इसलिए बोल रहे हैं, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आसूया का मेहजिम करे बहुत उपकार, कई बार ना हो सके तो दो ही वक्त कर ले, सदगुरु के दर्शन किए काल दगा नहीं दे। ये बैटरी चार्जिंग, अगर बैटरी लो हो जाएगी साउंड ठीक से नहीं सुनाई देगी और डिस्कनेक्ट होती जाएगी। और दूसरा सेवा, इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, जो गुरु निकट निवास कर तो सेवा दर्शन नित, जो कहूं अंत वास होए तो ध्यान किए होए हित। मैं इस बात को कई बार उठा चुका हूँ कि भक्ति में तीन चीज़ों का मिश्रण हो गया, व्यावसायिकता, अपराध और राजनीति। तीन चीज़ों से धीरे धीरे भक्ति क्षेत्र दूषित होता जा रहा है। इसलिए हम सब भक्ति को ठीक से समझें, बिन जाने जो कोई भक्ति करी सो नहीं भव सागर से तरी। बिना जाने जो भक्ति के क्षेत्र में आ जाते हैं, हम भक्ति करते हैं, उससे उपयुक्त और पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम भक्ति के तथ्य को ठीक से समझें,
भाइयों, पहली भक्ति तो हमें दिख रही है सरगुण भक्ति। सरगुण भक्ति समझ में भी आ रही है, दिख भी रहा है, पर इसमें त्रुटियां कुछ ज्यादा आ गई है, गलतियां कुछ अधिक होने लग गई है, वैसायिकता कुछ ज्यादा होने लग गई है, जीवन पर जीवन में इन चीजों का प्रभाव दिख नहीं रहा है। दूसरी भक्ति है निर्गुण। निर्गुण भक्ति भी ठीक ठीक नजर आ रही है, समझ में आ रही है। पहले हम देखते हैं सरगुण भक्ति का लक्ष्य क्या है। सरगुण भक्ति का एक लक्ष्य है, किसी भी भक्ति को हम खराब नहीं कहेंगे कि इससे आप पितरादि लोग सामीप्य और सालोक्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई भी भक्त बाकी आम आदमी से अच्छा है जिसके दिल में भक्ति का भाव है, लेकिन इससे हम पुनर्जन्म से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम सब दूसरी भक्ति देखें तो निर्गुण सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अंसारा। तुम दोनों के पार बताया, मेरे चित एको नहीं आया। जो हम निर्गुण भक्ति देख रहे हैं वो यथार्थ में पंच मुद्राओं और पांच पीवटों पर घूम रही है। उसका क्या लक्ष्य है? सरगुण भक्ति का लक्ष्य एक है, शुभ कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, किसी को कष्ट नहीं दो, वेदानुकूल चलो, मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा नहीं दो। पर यह भक्ति थोड़ी सहज है, ये भक्ति बाहरी है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में भक्तों की या हमारे धर्म में भक्तों की कहीं कमी है, भक्तों की कहीं भी कमी नहीं है। भक्तों की हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है, पर थोड़ा लोग भक्ति के तथ्य को समझने में त्रुटि कर रहे हैं, इसलिए भक्ति में व्यावसायिकता आ गई। लक्ष्य एक ही है सरगुण भक्ति का, शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति, लेकिन उसके बाद पुनर्जन्म विद्यते, हम पुनर्जन्म को फिर प्राप्त कर लेंगे। अगर हम कोई सोचे कि हम सरगुण भक्ति द्वारा पुनर्जन्म से दूर हो जाएंगे तो ये नहीं हो सकता है। दिशा भी यही है, पुनर्जन्म विद्यते, वो तो फिर होगा। निर्गुण भक्ति योगेश्वर अंसारा, ये क्या है? इसमें बाहरी भक्ति को महात्म नहीं दिया गया। निर्गुण भक्ति में पंच मुद्राओं और योग को महत्व दिया गया। निर्गुण भक्ति का सार है योग। फिर ये निर्गुण भक्ति की का लक्ष्य क्या है? सारूप्य और सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति इसका लक्ष्य है। क्या ये लक्ष्य खराब है? कतई नहीं खराब है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन सारूप्य और सायुज्य की प्राप्ति के बाद भी हम पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पुनर्जन्म होगा, फिर के डार देव भव माही, भव से कोई न्यारा नाही, दोबारा हमारा जन्म होगा। पढ़ने बाद लाखों करोड़ों साल के बाद दोबारा धरती पर आना होगा। ये निर्गुण भक्ति पांच बिंदुओं, पांच मुद्राओं के इर्द गिर्द घूम रही है। इस भक्ति को भी खराब नहीं किया जा कहा जा सकता। ये पंच मुद्राएं, पंच पीवट यदि भारतवर्ष के 16 विशाल पंथों की तरफ हम सब ध्यान देते हैं तो एक बात जाहिर होती है, इन्हीं पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द ही निर्गुण भक्ति घूम रही है। कोई भी मत मतांतर इन पंच निर्गुण पंच आयामों से परे नहीं है। और अगर हम निगाह डालें तो एक चीज का पता चलता है, कुछ लोग उन भक्तियों में लगे हैं, पंथों में लगे हैं, पर यथार्थ में उनको उन मुद्राओं का भी पूरा ज्ञान नहीं है।
कभी कभी कुछ मत मतांतरों के लोग मेरे पास आते हैं गोष्ठी करने, मुझसे कई सवाल पूछते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई अगर आपने अंदर में कुछ प्रकाश देखा या आप अपने अंदर में गए या कोई लोक लोकांतर देखा या कोई सिद्धि शक्तियाँ प्राप्त की तो कृपा करके ये तो बताओ किस सूत्र से गए थे, क्या तुम्हें इसका आभास है कि हम कैसे आंतरिक दुनिया में गए, क्या आंतरिक दुनिया में जाना एक संयोग है या एक सूत्र है। नहीं, अगर हम सांख्य योग की तरफ भी चलते हैं तो उससे पता चलता है पंच मुद्राओं का एक सूत्र है, उनके द्वारा साधक विविध चीज़ों को देख सकता है। भाई अगर आपने इंग्लैंड की फ्लाइट ली तो इंग्लैंड में पहुँचेंगे, यूएसए की ली तो यूएसए में जाएंगे। जिस भी मुद्रा के द्वारा साधक अपने कंसंट्रेशन को एकाग्र करता है अपने अंदर में, उसी बिंदु को प्राप्त होगा, वो अवश्य उस पॉइंट पर जाएगा। लेकिन इस कलयुग में एक अफसोस ये है कि वास्तव में इन पंच मुद्राओं के ज्ञाता लोग भी कम हैं, क्योंकि काफ़ी मत मतांतरों के लोगों से जब मैं चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी मुद्राओं के विषय में पूछता हूँ तो उनको उसका पर्याप्त ज्ञान नहीं है। जैसे भाई भारतीय कुश्ती एक अलग चीज़ है और फ्री स्टाइल अलग चीज़ है। भारतीय कुश्ती जो हमारी देसी है उसमें सिर्फ पीठ लगाना है, और जो फ्री स्टाइल है उसमें तो मार मार के कचूंबर निकालना है, जो लात आई, मुक्का आया, घूसा आया, सिर्फ पंच नहीं मारना है और बाकी सब चीज़ उसमें चलती है। तो कुश्तियाँ दोनों अलग अलग हैं, उसके आयाम अलग अलग हैं। भारतीय कुश्ती जो हमारी देसी उसमें पहलवान लोग युद्ध मल्ल करते हैं, उसमें केवल पीठ लगाने का सवाल है। इसलिए जो उसका प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग देने वाले जो खलीफा उस्ताद हैं, वो ये दाव पेच बताते हैं कि भाई किस प्रकार से उसकी सिर्फ पीठ ज़मीन में लगानी है, और जो फ्री स्टाइल है उसमें तो उसको मार मार के अधमरा करके गिराना है। तो दोनों का आयाम कुछ अलग अलग है। इस तरह भूसरी मुद्रा अलग अलग चीज़ हैं, खेचरी अलग हैं, चाचरी अलग हैं, उन्मुनी अलग हैं, पर ये पंच ग्रंथियाँ बना दी। इन पाँचों सब्जेक्टों के कालांतर में अच्छे अच्छे विशेषज्ञ ज्ञाता विशेषज्ञ हुए, उन्होंने सूत्र दिए कि इन मुद्राओं की तरफ चलकर हम ब्रह्मांड की यात्राएं आसानी से कैसे कर सकते हैं, उन्होंने ये सूत्र दिए। फिर उनके ये सूत्र जैसे कपिल मुनि आदि हैं, व्यास जी हैं, सुखदेव जी हैं, गोरखनाथ जी हैं, शिव जी हैं, ये कालांतर के छः महायोगेश्वर हुए, इसलिए योगेश्वर हुए कि उनके पास इन मुद्राओं का पूरा पूरा ज्ञान था, इसमें एक्सपर्ट थे किस प्रकार से जाकर के हम आंतरिक चीज़ों का अवलोकन करते हैं। अगर हम गहराई से इन मुद्राओं की तरफ देखते हैं तो निर्गुण भक्ति इन पंच चीज़ों के अंदर ही घूम रही है और उसमें बाहरी चीज़ों को महत्व नहीं है। सीधा हमारा वेद भी सांख्य ऋग्वेद से सांख्य योग की उत्पत्ति हुई है, जिसमें इन मुद्राओं पर प्रकाश डाला गया है। साहब ने भी इन मुद्राओं के विषय में अच्छी तरह से कहा है, पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द ही निर्गुण भक्ति घूम रही है। नाम गुरु काले सत्संगी जीते सारी उमरिया, नाम के रंग में रंग लेते हैं सतरंगी ये चुनरिया, बाधा उनके पास न आए जग माया उन्हें फांस न पाए, सुमिरत बीते उमरिया संगी, नाम गुरु का तुले मन रंगी।